बंधुओं, जय हिंद। देश की आज़ादी के सिलसिले में मैं आपके सम्मुख आज एक ऐसे नौजवान की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसकी उम्र केवल 22 साल है, जो रात में मिलों में काम करता है, दिन में सत्याग्रहों में हिस्सा लेता है। बम्बई का एक ये नवयुवक गनू सैयद, बाबू गनू सैयद, मिल में काम करने वाला मजदूर, लेकिन जज्बे भारत की आज़ादी के लिए मर मिटने का एक जज्बा। बंधुओं, ये वो समय था जब महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वदेशी वस्त्रों के लिए जोर दिया जा रहा था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो रहा था। उसके पीछे तर्क यही था कि हमारे देश का पैसा बाहर वालों के लिए क्यों जाए, हमारे देश के मजदूरों का शोषण हो रहा है, इनको रोजगार नहीं मिल रहे, बाहर से आए हुए वस्त्र यहाँ पहने जा रहे हैं। इस प्रयास में, स्वदेशी के इस प्रयास में, जो विदेशी वस्त्रों के विरोध में आंदोलन चला, मेरे मैनपुरी शहर में भी आंदोलन चला। यहाँ भी कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें थीं, उन दुकानों पर यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में दुकानों के सामने पट लेट गए थे और दुकानदारों से आग्रह किया था कि आप दुकान न खोलें, विदेशी माल न बेचें। मेरे मैनपुरी में एक मुकुट बिहारी अग्रवाल थे, उन्होंने उन कांग्रेसियों की उस भावना को देखते हुए दुकान नहीं खोली, लेकिन एक हाजी जी थे, उन हाजी जी ने उन कार्यकर्ताओं की कोई भी परवाह किए बिना उन्हें रौंदते हुए चले गए और अपनी दुकान खोली। ऐसे हादसे हर जगह हो रहे थे। खुद बाबू गनू सैयद ने एक दुकान के सामने प्राय 15 दिन तक यूं लेट कर धरना दिया था, दुकानदार नहीं मानता था, दुकानदार अपनी दुकान खोल लेता था, वो भी नहीं मानते थे, वो भी दुकान न खोलने के लिए दुकान के सम्मुख लेट कर सत्याग्रह किया करते थे। एक दिन उनके साथी जिनमें शिरोडकर, जो केसरी के लिए लिखते भी थे, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, एक नाना पालसीकर, अली जाफर इत्यादि जो साथी थे उनके, उन्होंने सोचा कि दुकानों के सामने सत्याग्रह करने से कोई फ़ायदा नहीं, सत्याग्रह अगर किया जाए तो उन गोदामों के सामने किया जाए जहां से विदेशी माल की आपूर्ति होती है। नतीजा ये हुआ कि प्रिंसेस स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा गोदाम था, उस गोदाम के सामने दो गेट थे, एक गेट पर गनू सैयद लेट गए, दूसरे गेट पर अली जाफर और नाना पालसीकर ने सत्याग्रह किया। गनू सैयद के गेट पर एक ट्रक विदेशी माल लेकर के आया जो गोदाम में प्रवेश चाहता था, प्रवेश नहीं हुआ। गनू सैयद दरवाजे पे लेटे हुए थे, उस चपरात चौकीदार ने उनको हटाया, नहीं हटे वो। ड्राइवर ने भी उससे प्रार्थना की कि वो हट जाएं, नहीं हटे। अंत में मैनेजर आया, मैनेजर ने उनसे, गनू सैयद से कहा कि हट जाओ, अनेक तरह की ऊंच नीच की बातें की, वास्ता दिलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं इस फाटक के भीतर इस ट्रक को नहीं जाने दूंगा। बंधुओं, ऐसी विषम परिस्थिति में मैनेजर गुस्सा हुआ, मैनेजर ने कहा तो हम ट्रक तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तो गनू सैयद ने कहा कि सत्याग्रही मरने से नहीं डरता है, आप मुझे धमकी मत दीजिए।
ड्राइवर से मैनेजर ने कहा कि तुम ट्रक चलाओ और इसे रोनते हुए लेके आओ ट्रक को। ड्राइवर ने मना कर दिया। ड्राइवर ने कहा कि मैं किसी आदमी पर ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ केवल कपड़े लेकर के ट्रक लेकर के आया हूँ, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन इतिहास तो कुछ और मांग रहा था। इतिहास ने एक ऐसी घटना, लोमहर्षक घटना हमें दी जो सत्याग्रहियों के संदर्भ में अभूतपूर्व पहली घटना थी। ड्राइवर ट्रक से उतर गया था, मैनेजर ट्रक पर बैठा, अपनी स्वामी भक्ति में, जिनका वो नौकर था उनकी स्वामी भक्ति में वो ट्रक पर बैठा और हॉर्न उसने बजाया। गनू सैयद नहीं हटे अपनी जगह से, नहीं हटे तो क्रोध में उसने ट्रक गनू सैयद पर चढ़ा दिया। ट्रक का अगला पहिया गनू सैयद के सर पे चढ़ा, पूरी खोपड़ी फट गई उनकी, और घुमाते हुए मैनेजर ने पिछला पहिया उनके पेट पर चढ़ा दिया, जिससे उनकी आंतें फड़फड़ा कर बाहर निकल पड़ी। मैनेजर अपनी विद्रूपता में ट्रक को भीतर ले गया। शिरोडकर वहाँ बैठे हुए थे, शिरोडकर ने पहले भी बहुत मना किया था, लेकिन सत्याग्रही के उस आग्रह के सामने शिरोडकर भी कुछ नहीं कर पाए। इस तरह से अबू गनू सैयद उनका निधन हुआ। हमारे इतिहास में वो 12 दिसंबर 1930 का दिन था, एक काला दिन। बंधुओं, विदेशी वस्त्रों की जब बात चली है, मैंने अपनी मैनपुरी की बात बताई थी। हमारे यहाँ एक जमींदार थे, ठाकुर गुलाब सिंह ने अपने एक बैलगाड़ी भरे हुए विदेशी कपड़े हमारी ईशा नदी के तिराहे पर जलाए थे। विदेशी वस्त्रों की होड़ी जलाई थी उन्होंने। ऐसे अनेकों प्रसंग इस विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें आज भी भाई गनू सैयद याद आते हैं, वो नौजवान जिसने सत्याग्रह के संदर्भ में, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के संदर्भ में अपना सत्याग्रह के दौरान प्राण दिए, बलिदान दिया। हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भारतवासियों में स्वतंत्रता के प्रति, देश की स्वतंत्रता के प्रति एक अदम्य भाव जगे। हम किसी बहकावे में ना आएं, हम किसी राजनीतिक छल फरेब में ना आएं। हम देखें देश हमारा कैसे मजबूत होता है, देश हमारा कैसे सुरक्षित रहता है, ये हमारा प्रबल भाव हो। इसी संदर्भ में मैं गनू सैयद को प्रणाम करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भारती, जय हिंदी, जय नारी।